भाई अभी हम जा रहे हैं हांगकांग की सड़कों पे, और ये देखो हांगकांग की बिल्डिंगें। ये जो मैं हूँ ये हांगकांग का जो पुराना हांगकांग है वो है, ये नया वाला एरिया नहीं है। मेरा जो होटल है मैंने पुराने वाले में लिया, तो मुझे पता नहीं था। तो ये जो टूरिस्ट लोग घूमते हैं वो नए वाले में घूमते होंगे जाके, तो ये एक मैं ओल्ड हांगकांग का भी दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मॉन्गकॉक। मॉन्गकॉक एक जगह है, वहाँ पे कहते हैं काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो वो देख के आते हैं कैसे हिसाब है वहाँ का। एक और मेरी तरफ आ रही है क्या? तो मैं पैदल जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ का थोड़ा एक्सप्लोर करना था हिसाब किताब। ये वाली बड़ी बस बड़ी मस्त है यार दिखने में। यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, जो मॉडर्न हांगकांग है वो दूसरी साइड में है। और यहाँ पे काफ़ी इंडियन ऑप्शन भी है खाने पीने के लिए। यहाँ पे मैं दो दिन जो रुका हूँ, यहाँ पे एक पाकिस्तानी इंडियन शॉप है जहाँ पे अपना वेजिटेरियन खाना भी मिल जाता है, रोटी नान शमशाशोई में। तो मैं वहाँ पे हर रोज़ जाके हर शाम को वहीं पे डिनर होता है अपना। तो अगर तुम लोग भी यहाँ रुकते हो आगे तो वहाँ पे डिनर कर सकते हो। शेरे खान ट्रेडिंग नाम से नाम है रेस्टोरेंट का, तो वहाँ पे जाके खाना खा सकते हो अगर तुम वेजिटेरियन और यहाँ का खाना प्रेफर नहीं करते हो तो। मैं काफ़ी दिनों से इसी एरिया में घूम रहा हूँ, तो आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा दूसरा एरिया एक्सप्लोर करके आऊँ। ये यहाँ पे का लोकल मार्केट है सामने। ये जो फ्ली मार्केट है यहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते कैमरा, तो मैं वहाँ पे जाके कैमरा ले जाके एक्सप्लोर नहीं करूँगा ज़्यादा, बस अपना स्ट्रीट साइड में चल चल के जाऊँगा। ये अपने दिल्ली जैसे घर है पूरे, यहाँ पे जो ओल्ड सिटी जैसे अपने हैं वैसे ही है सारा हिसाब। मेरे पास टाइम कम है तो मैं शायद मॉडर्न वाली एरिया में जाना पाऊँ। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के रेट सस्ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले भी अपनी ट्रैवल वीडियो में कह चुका हूँ, जो इनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं 7-Eleven वॉटसन्स, इन सब में तो सब महंगा ही मिलेगा। पर जो यहाँ का लोकल स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर, जैसे यहाँ की किराने की दुकान है, उससे खरीदने में फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। यहाँ पे ये भी है कि बस सस्ती है ट्रेन से, तो अपनी जो सिटी मैपर ऐप है वो डाउनलोड कर लो और फिर उसमें पूरी डायरेक्शन दिखा देता है कहाँ से कैसे होके जाना है। तो मुझे जाना है शायद स्ट्रेट जाना है, मुझे स्ट्रेट लाइट हो रही है। ये देखो भाई सुबह सुबह लोकल्स की लाइफ। मेरा मेन मकसद तो ये था कि लोकल लोग कैसे लाइफ करते हैं यहाँ पर स्पेंड। भाई मेरे GoPro में कोई दिक्कत आ गई है, ये सारा बड़ा मुश्किल है यार इसे यूज़ करना। तो लो चल रहे हैं भाई, ये देखो लोकल बिल्डिंग है सारी। अरे पूरा हांगकांग ऐसा नहीं है, बस ये वाला एरिया ऐसा है। तो मैं किसी को कहूँगा नहीं कि अपना परसेप्शन ऐसा बनाए देख के, पर किसी को अगर सिटी का ओल्ड पार्ट एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है, जैसे कि ट्रूली व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, जो यहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं और लोग कैसे रहते हैं,
आई मीन जो रिच लाइफ होती है वो तो हर कहीं सेम ही रहती है जो अमीर बंदों की, पर जो ट्रू कंट्री का कल्चर तो वहीं से पता चलता है जहाँ पे स्ट्रगल होता है थोड़ा। तो शायद यहाँ की लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ हॉन्गकॉन्ग। अभी मॉन्गकॉन्ग जा रहा हूँ मैं, तो मॉन्गकॉन्ग जाने में इतना टाइम है। मॉन्गकॉन्ग है यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, पैदल चल चल के जाऊँगा क्योंकि पैदल चल के ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरे GoPro गलती से फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो मैं इसकी जो वीडियो 4K से चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी 4K में शूट हो रही है। ये देखो इनका लोकल रेस्टोरेंट, सब इन्होंने चाइनीज़ में लिखा है सारा मेन्यू, तो थोड़ा ट्राई करने में मुझे वो हो रहा है, पता नहीं क्या खाना हो, क्योंकि इनके पास वेज खाना भी होता है पर अगर इंग्लिश में लिखा तो ट्राई कर सकते थे। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स हर कहीं है, हर थोड़े से डिस्टेंस पे मैकडोनल्ड्स दिख जाएगा, मतलब इस वाली स्ट्रीट पे तो। और इनके मैकडोनल्ड में वेज ऑप्शन होगा या नहीं पता नहीं, मैंने अब तक अंदर जाके देखा नहीं है। अरे यहाँ पर भी मेन्यू क्या है, ये हैम एंड चीज बर्गर, मीडियम सॉफ्ट, मैक स्पाइसी, मैक विंग्स। तो जो इनका जो मेन फ्लैगशिप आइटम है वो तो सारे नॉन वेज ही है, तो वेज वाला हिसाब पता नहीं होगा ही नहीं, अंदर जाके देखना पड़ेगा। पर मेरा भी मन नहीं है नाश्ते करने का, मतलब यहाँ पे इंडियन स्टोर है तो वहाँ से मैगी मिल जाती है, तो जहाँ रह रहे हो वहाँ गर्म पानी में मैगी डाल के वैसे भी खा सकते हो, या थोड़ा सा बाहर निकल के जो अपने इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ भी जा सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट इस एरिया में भी है भाई साहब। सारे ही पूरा ओल्ड हॉन्गकॉन्ग में घूम रहा हूँ मैं, लेकिन घूम रहा हूँ पर मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा, मुझे लगा यहाँ थोड़ी वीडियोग्राफी करने में दिक्कत होगी, पर यहाँ पे बस लोग देख रहे हैं मुझे क्या कर रही है, और मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा भाई क्यों फिल्म कर रहा है। पर मैं शायद जब फ्ली मार्केट जाऊंगा वहाँ पे कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वही शायद थोड़ा बहुत चोरी का पता नहीं कैसा सामान बेचते हो, क्योंकि कल जिसमें गया था मैंने फिल्म भी नहीं की थी, बस कैमरा लेके चल रहा था और उसने मुझे रोक दिया था। शायद उस साइड माउंटेन है आगे वाली साइड में, वहाँ पे सुबह सुबह यहाँ के लोकल लोग बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वहाँ पे सुबह सुबह लोग जाते हैं अपना एक्सरसाइज करने माउंटेन पे चढ़ाई करके। बस अभी तो गर्मी होने लग रही है, धूप आ गई और सुबह काफ़ी ठंड होती है और शाम को 6 बजे होती है फिर काफ़ी ठंड हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं तो अपनी होटल शायद ही वापस जाऊँ, तो अपने बैग में जैकेट डाल के लाऊँ, तो ज़रूरत का जो भी सामान है बैग में ही है, क्योंकि होटल जाओ फिर सामान उठाओ तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और मैं शायद विक्टोरिया पीक जाऊँ तो वापस आने का तो सीन ही नहीं बनेगा होटल में। ये वाला थोड़ा एरिया मॉडर्न लग रहा है, नहीं यहाँ पर भी पुरानी बिल्डिंग है। पर यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग है जिनका रेनोवेशन चल रहा है, और तो कुछ कुछ पुरानी बिल्डिंगें भी अब नहीं लग रही है, जैसे ये वाली बिल्डिंग शायद ये रेनोवेट हुई है। मुझे इनसे आगे निकलना है भाई, बहुत टाइम लगा।
यहाँ पे मूंगफलियाँ काफ़ी खाते हैं सर्दियों में भी, पर ये भुनी हुई मूंगफलियाँ नहीं है शायद, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ, ये क्या चीज़ है। अरे ये देखो ये रेनोवेशन वर्क चल रहा है पुरानी बिल्डिंग का, तो यहाँ की सरकार कर रही है, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं बहुत पहले बनाई थी जो सरकार ने, उनको रेनोवेट कर रही है पेंट वेंट करके, तो ओल्ड टाउन का नया थोड़ा न्यू लुक दे रही है उसे। अभी हम मॉन्कॉक पहुँचने वाले होंगे शायद, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था मेरे हॉस्टल से, तो पता नहीं मैं कितना चल लिया, तो देखते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का थोड़ा झोल पता नहीं है, लोग काफ़ी लोग फॉलो करते हैं पर उन्हें लगता है कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो निकल जाते, लाइट अगर रेड भी हो तो पेडेस्ट्रियंस मोस्टली। ये देखो बच्चे पार्क में खेलने लग रहे हैं सुबह सुबह, थिंक स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी धूप निकली है तो मैं तो जैकेट नहीं डाली है अभी, अपने आराम से धूप का एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ के लोकल्स थोड़े इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे, मतलब आके बात करने वाले, तो मैं भी ज़्यादा इनके में घुस नहीं रहा हूँ अंदर बात करने के लिए, तो कुछ जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड टाउन है तो इतनी यंग जनरेशन दिख नहीं रही है, तो इंग्लिश स्पीकिंग जनरेशन मुझे लग रहा है कम हो गया। अब मुझे किस साइड जा रहा है मॉन्कॉक के लिए, देखते हैं मैप में देखता हूँ कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ भाई। आगे देखो व्यू ऐसा है भाई, ये रहा इनका 7-Eleven। यहाँ पे थोड़े प्राइजेस महंगे हैं, पानी देख लो 2 बोतल $15 की, मतलब कितने हो गए $15, लगा लो 15 हांगकांग डॉलर, 100 रुपये से तो कम नहीं होगी। काफ़ी भीड़ हो गई है भाई इंटरसेक्शन पे, इतनी देर में देखते हैं 2-15 डॉलर कितने हो जाते हैं, और छोटी छोटी बोतलें। ऐसा 150 रुपये की 2 छोटी बोतलें, मतलब 70 रुपये की, तो इसमें तो महंगा ही। और ये जो बाकी कन जो इनका के लोकल किराने वाला मार्केट है उसमें तो $3 की मिल जाती है ये बोतल से, $3 हो जाते हैं, जैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ $3.31, तो 30 रुपये में, तो जो यहाँ 7-Eleven में 70 की मिलती है तो लोकल जो किराने वाला स्टोर है उसमें 30 की मिल जाएगी आराम से। तो जो इनके 7-Eleven से तो शॉपिंग ना ही करो, अगर तुम्हें पानी लेना है कुछ भी, आइसक्रीम कुछ भी लेनी है तो यहाँ से तो लेना ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है मैं ओल्ड टाउन पीछे जा रहा अपना भी, ये जो मॉन्कॉक शायद एडवांस से लग रहा है क्योंकि थोड़ी मॉडर्न बिल्डिंग लग रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ की एक अच्छी बात है, यहाँ इन्होंने साइड वॉक बहुत ब्रॉड बनाई हुई है हांगकॉन्ग में, तो कितनी ब्रॉड साइड वॉक है। तो अभी एक लड़की दिखी थी अपनी व्हील चेयर पर जा रही थी आराम से, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चला के,
तो काफ़ी कन्वीनियंट है यार हांगकांग भी, मतलब ओल्ड टाउन भी इनका, मतलब अगर तुम फिजिकली चैलेंज हो, अगर तुम्हारे पैरों में प्रॉब्लम है तो आराम से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ला के चला सकते हो साइड से। और लोग भी काफ़ी टॉलरेंट लग रहे हैं यहाँ के, आराम से साइड हट रहे हैं और रोड भी बड़ी साफ है साइड वॉक। मैंने अब तक बहुत ही कम लोगों को देखा है रोड पे कचरा फेंकते हुए, बहुत ही कम। देखो भाई मैं अभी 300 मीटर ही चला था, अगला मैकडॉनल्ड आ गया। तो अगर किसी भाई बंधु को यहाँ का लोकल खाना पसंद आया हो तो वो सीधा मैकडॉनल्ड में ही जाके खा सकता है अपने रेगुलर बर्गर, चिकन बर्गर। अंदर वाली स्ट्रीट में है सारा मार्केट, मेरे को वहाँ जाना है, पर वो मोंगकॉक वाली साइड से जाऊँगा, ये तो मेन स्ट्रीट है इनका। क्रॉस कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं आ रहा, चलो। देखो प्रिंस एडवर्ड स्टेशन, मैं आ सकता था MRT से, मतलब बस दो स्टेशन दूर था मेरे वहाँ से, पर मेरे को ऐसे ये लोग वॉक करके जाना था, एक्सप्लोर करना था एरिया थोड़ा वो। मैंने सुना ये हांगकांग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनके पास सरफेस एरिया काफ़ी कम है, तो इसलिए ये बिल्डिंग्स पे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन रहता है, ज़्यादा लैंडेड प्रॉपर्टीज़ कम होगी यहाँ पे। तो अभी तक तो मैं जहाँ भी गया हूँ आसपास मुझे कोई लैंडेड प्रॉपर्टी दिखी नहीं रही है। वो वाली साइड थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वहाँ थोड़े ज़्यादा शॉप्स हैं और धूप भी कम है वहाँ। सब थोड़े देखते रहे यहाँ पे लोग, पर कोई स्माइल नहीं कर रहा देख के। दूसरी कंट्रीज़ में मेरे हाथ में कैमरा देख के लोग स्माइल करते थे। या एक और प्रिंस एडवर्ड स्टेशन दूसरी एंट्रेंस है, सिटी बैंक यहाँ पे, सिटी काफ़ी सारे बैंक है यहाँ पे, सिटी बैंक है, चाइनी बैंक ऑफ चाइना, हैंगशिंग बैंक, मुझे मनी एक्सचेंज भी ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन ये सब देखने जाओगे तो वहाँ पे पैसे फटाफट खर्च हो जाएंगे। काफ़ी बिजी लाइफ लग रही है यहाँ की भी, हांगकांग की भी। ये वाली बस बड़ी अच्छी है यार, ये वाली नहीं जो रेड कलर वाली है, तो स्कूल वाली बस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इनोवेटिव है। यहाँ की लाइफ बड़ी बिजी लग रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पता नहीं ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, पर आज फ्राइडे है, लोग ये काम पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं कुछ पता नहीं।
और इस एरिया में मुझे कोई अपना इंडियन कम्युनिटी तो इस एरिया में नहीं है, ज़्यादातर चाइनीज़ कम्युनिटी है शायद यहाँ पे। अरे एनी टाइम फिटनेस यहाँ भी है, लगता है एनी टाइम फिटनेस हर कंट्री में ही है, मुझे ही नहीं पता। जस्ट आई कम और ये वाली बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, लाल कलर वाली। और सब अपने मतलब से मतलब रख के जा रहे हैं सब, सबको कहीं ना कहीं जाना है। हाँ वो वाला एरिया कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, वहाँ जाना चाहिए क्या? यहाँ पर भी टैक्सी वाले स्लो कर देते हैं जब उन्हें कोई एल्डरली दिखता था वो। देखते हैं अपना मॉल से कितनी दूर रह गया। ओके तो मुझे यहाँ जाना है थोड़ा सा और जाके स्ट्रेट लेफ्ट में। यहाँ पे डिजिटल लाइट बड़ी लगा के रखते हैं, रात में चमकती रहती है पूरा। ये थोड़ा रात में ये लाइटें ऐसे लगा के पूरा हर पूरी सारी जगह बंद हो जाती है, पर ये वाली लाइट चमकती रहती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी 1970s की सिटी में आ गए। मतलब ये देखो, हाँ DBS बैंक, ये तो मेरा बैंक है। पता नहीं यहाँ से विड्रॉल शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। हाँ यार पता नहीं था मुझे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे इतना कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होगी जब हांगकांग आऊँगा। ओ भाई ये बिल्डिंग कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है क्या? तुंगचोई स्ट्रीट, फायन स्ट्रीट मार्केट, मोको मोंग कॉन्ग स्टेशन फुट। तो 5 UN स्ट्रीट मार्केट देख के आते हैं। कल नोट वोट बेच रहे हैं शायद। ये गाड़ी निकल जाए इसके बाद आता हूँ। हांगकांग रोड शुरू हो गया। तो यहाँ पे 2-3 लोगों ने मुझे कहा था आने के लिए, तो मैं देखता हूँ। ये रहा मनी एक्सचेंज है क्या? ये मल्टी करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ करा सकता हूँ एक्सचेंज। यहाँ पर भी फायर हाइड्रेंट लगाए हुए हर जगह पे इन्होंने।
मैं किस साइड जाऊँ, मुझे थोड़ा मार्केट वाला आइडिया नहीं मिल रहा कहाँ पे है उनका लोकल मार्केट जो है। तो चलो लेफ्ट साइड राइट साइड चलते हैं, मेरा दिल कह रहा है राइट साइड जाना चाहिए। भाई क्रॉस कर ले, घंटी बज रही है, गड़ 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 गड़। यहाँ पे स्कूल है, पब्लिक बसेज आई है, पब्लिक बस भी क्या मस्त डिजाइन है यार। देखो इनकी पब्लिक बसों का कितना मस्त सजा रखी है बसें इन्होंने। इधर वार्निंग लगी है, भाई सिटी एकदम साफ सुफ रखी है, मतलब सिटी लग पुरानी रही है पर एकदम साफ सुंदर है। देखो रोड एकदम साफ है, एवरीथिंग इज क्लीन। वो उनकी मेट्रो जा रही है वहाँ से, मनी एक्सचेंज तो काफ़ी है। हम यहाँ ही बैंकॉक में आ गया तो यहाँ पे और अच्छा प्राइस होगा शायद, तो तीन चार जगह पूछ लो जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे, प्राइस वहाँ से ले लो। ये कुछ फेमस सी प्लेस लग रही है, बोर्ड पुराना है, ये देखो वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। आई होप मैं इनके अंदर जा सकूं और लाइफस्टाइल देख सकूं कैसा लाइफस्टाइल है रहने का। तो मुझे तो बसें पसंद आ गई यार, काफ़ी अच्छी बस है इनकी, काफ़ी विंटेज सा लुक आ रहा है सिटी का। जैसी ऐसी वाली बस है जैसी वो ऑलमोस्ट फेमस मूवी है हॉलीवुड की, उसमें जो उनकी टूर बस होती है कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे मेटाडोर टाइप की। आ गया भाई मैं टूरिस्ट एरिया में आ गया क्या, आर्गाइल स्ट्रीट। अब कहाँ जाना चाहिए मुझे, चलो सीधे चलते हैं। ये रेनोवेशन वर्क चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग को नए बनाने का काम। भाई अभी मैं देख रहा हूँ वो जूते वाला मार्केट कहाँ पे है, क्योंकि किसी ने कहा था यहाँ पे जूते के लिए आ सकते हो शॉपिंग के लिए, और मुझे दिख नहीं रहा वैसा मार्केट कहीं भी। एक और मैकडोनल्ड आ गया, मैकडोनल्ड की तो कमी नहीं है यहाँ पे। नहीं यहाँ का जो मार्केट है पूरा मैकडोनल्ड ने डोमिनेट किया, मैं वो कोई KFC बर्गर किंग कुछ नहीं दिखा, जहाँ जा रहा हूँ सिर्फ मैकडोनल्ड दिख रहा है। चलो मैं इसे बंद करता हूँ, कहीं मार्केट दिखा तभी ऑन करूँगा इसे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पे जाना। अब आगे वो वाली बिल्डिंग एकदम ओल्ड स्टेट में न्यू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर।
भाई साहब। मुझे ये वाली बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मॉडर्न बिल्डिंग के बीच में, मतलब पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स के बीच में नई बिल्डिंग। तो ये काफ़ी इन्होंने शायद पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बनाई है, तो ये शायद प्लान है आगे मॉडर्न हांगकांग का। अब यहाँ चलते, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मे बी आई एम इन दी शॉपिंग एरिया, यहाँ पे लग रहे हैं भाई। ओके, आई थिंक आई एम इन मॉन्गकॉक। यस, सो इज देयर मॉन्गकॉक। सो आई थिंक मैं अभी मॉन्गकॉक की मेन स्ट्रीट में आ गया हूँ। शॉपिंग मॉल लग रहा है ऊपर, दी फॉरेस्ट करके। नहीं यार, ये तो कोई बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग लग रही है। यहाँ पे क्या सीन है? हाँ, ये शॉपिंग एरिया है भाई। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है यार यहाँ पे तो। एंड आई थिंक यहाँ पे जूते ये सब चीपर ही होंगे। अरे यार, यहाँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स ये सब है, पर मैं काफ़ी सामान ले चुका हूँ। मैं मतलब मेरा लगेज ओवरलोड है। अगर ये वाली स्ट्रीट बड़ी मस्त लग रही है, इसमें जाके दे सकते हैं क्या? इसमें उस साइड क्रॉस करते हैं, ये वाली स्ट्रीट। सुबह सुबह का मार्केट, शेडी सी स्ट्रीट है, यहाँ मुझे कोई रोके ना। हेलो भाई, नालियाँ भी साफ सुंदर है एकदम यहाँ की। तो एरिया बड़े पुराना है, देखो जंग खाली बिल्डिंग है, पर साफ है एकदम, बहुत ही क्लीन है। ये सारा बैक एली वाला मार्केट है पूरा, बैक एली वाला सीन कैसे होता है। हाय, मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये अंकल वेल्डिंग कर रहे हैं भाई मोटापे में। मेरे को तो यहाँ से कटना पड़ेगा, डर लग रहा है थोड़ा सा। इस साइड जाऊँ या इस साइड जाता हूँ? अगर हेलो कहो तो बाद में हेलो करते हैं। यहाँ के लोग तो फ्रेंडली लग रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है फ्रेंडली नहीं है। ये फ्ली मार्केट आ गया यहाँ पे, मुझे लग रहा है शायद। भैया आ गया मार्केट, नाइट मार्केट हांगकांग का। यहाँ शायद फिल्म ना करने दे, पर मार्केट सेटअप ही हो रहा है अभी तो। शायद ये पूरी स्ट्रीट ही मार्केट वाली है। काफी बढ़िया बढ़िया सामान है यहाँ पे। अब किस साइड जाना चाहिए? इस साइड चलते हैं। एस्पेग्रास खाने में क्या है यहाँ पे? ये हरी सब्जी कुछ लग रही है खाने वाली, कौन भुट्टा भी है।
इंडियन रेस्टोरेंट है क्या? यहाँ थोड़ी करी सी दिख रही थी, मुझे लगा थोड़ी जो सब्जियों की पिक्चर थी वो करी टाइप की थी, तो मुझे लगा इंडियन रेस्टोरेंट है। और ये अभी इनका फ्ली मार्केट सेटअप ही हो रहा है, बैग्स, चेन्स, मोर बैग्स। अपना इंडियन भाई काम कर रहा है, अटैचियां तो काफ़ी कुछ सामान है पर पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं। फ्ली मार्केट से तो मैं यूजुअली शॉपिंग करता नहीं हूँ, पर तुम्हें टेम्परेरी यूज़ के लिए चाहिए तो कर सकते हो यहाँ से। चलो हिम्मत करके जाते हैं इसमें, आई होप कोई मुझे टोके ना, मेरा कैमरा ना छीने कोई। हाँ मुझे ऐसी वाली केबल चाहिए थी, टाइप सी टू टाइप सी। आई सॉरी, ये मार्केट तो काफ़ी बिजी है यार, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ये वाला कितने का? ये वाला मुझे सिंगापुर में कितने का, 6 का मिलता था, $108 का, $108। यहाँ पे लग रहा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइस जो है थोड़े से ओवर प्राइस है सामान, तो तुम्हें अपने प्राइस के लिए बार्गेन करनी पड़ेगी। ये भाई देखिए इसकी सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेल्समैन पीछे पड़ जाते हैं थोड़े बहुत। मैं तो प्राइस पूछ ही नहीं रहा इनसे, बस अपना एक्सप्लोर करूँ। सॉरी, ये बड़ी बढ़िया पेंटिंग कर रखी है इसने, पुराना हांगकांग ऐसा दिखता था, ट्रैम्स चलती थी यहाँ पे। जो सामने वाली पेंटिंग है ये देखो, ये कंपैरिजन है मॉडर्न हांगकांग का और ये ओल्ड हांगकांग का, ओल्ड हांगकांग और न्यू जनरेशन। ये ट्रैम्स आई वंडर अब कहाँ, कौन से एरिया में है, इंटरेस्टिंग। पर थोड़ा सेल्स उसकी दुकान में रुकना नहीं था ज़्यादा बंदे की में, क्योंकि वो शायद परेशान हो रहा था, मैं फिल्म कर रहा था, शक्ल देख के उसकी लग रहा था ऐसा। यहाँ पे ज़्यादातर फ्लश टॉयज, बैग्स और गारमेंट्स है। शूज़ वाला मार्केट नहीं दिख रहा, किसी ने मुझे कहा था शूज़ के लिए यहाँ पे आना बढ़िया, पर दिख नहीं रहा मुझे कहीं पर भी। थैंक यू। अच्छा वो टूरिस्ट गाइड है, मुझे लगा सेल्समैन था। भाई साहब सोलो
ये सोलो होटल है क्या? लुक्स लाइक अ होटल। चलो और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। फुटबॉल शर्ट्स, हेलो हांगकांग शर्ट्स, बेल्ट्स। मुझे लगता है यहाँ के रेजिडेंट्स की शॉप है, ये ऊपर रहता है और यहाँ पे शॉप खोल लेते नीचे आके। अभी सेटअप ही कर रहे हैं शॉप, लग रहा है शाम तक इनका पूरा मार्केट फुल उसमें आ जाएगा, फुल स्पीड। यहाँ पे दिख रहे हैं टूरिस्ट, अगर फर्स्ट कॉपी आइटम के लिए तो ये बेस्ट है। हेलो, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत बेकार है तो इसलिए मैं कुछ लूँगा नहीं यहाँ से। लेने का तो मन है पर मुझे लग पता है मैं ठगा जाऊँगा, तो बस देख लो। पर किसी भाई की अगर नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है तो यहाँ मार्केट में आके ले सकता है फर्स्ट कॉपी आइटम्स। चलो, लग रहा मार्केट कुछ चालू है, काफ़ी बड़ा मार्केट लग रहा है ये। कहाँ तक है? बहुत आगे तक है यार, ऐसा लग रहा है पूरा एरिया ही मार्केट का। बैग्स अगेन, सब ट्रैफिक को देख के चलना पड़ता है यहाँ पे। देखो अपना इंडियन बंदा चाइनीज बोल रहा है तो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहा है लग रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम इनके साथ काम करो तो फिर बात कर करके सीखे जाते हो तुम्हें, मतलब लोकल लैंग्वेज की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लोकल्स के साथ काम कर करके आराम से एक दो साल में सीख सकते हो। ये वाला मार्केट अभी सेटअप ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखते हैं, जल्दी सरिये डाल के निकाल रहे हैं, उसे सेट कर रहे हैं। ये क्या है भाई? माहजोंग, माहजोंग गेम है इनका, वो है शायद ये। अरे ये तो मैंने वियतनाम में भी देखे थे। पर मुझे प्राइस ध्यान नहीं है क्या था ये सेम कार्ड। घड़ियाँ भाई, ये ऐसे वाला बैग बढ़िया रहता है। ये कितने का दे रही होगी आंटी? ये यूनिक्लो में तो 20-1200 रुपए का है ये वाला कुछ। यहाँ से बैग लेने का फायदा है, ट्रैवल बैग। ये पूछता हूँ इनसे कितने का, नेगोशिएट कितना करेंगे। इस शॉप का मालिक नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया। कस्टमर तो 2-3 खड़े हैं इसके पास। हाय, मटेरियल तो बढ़िया लग रहा है पर ये है नहीं।
अच्छा यही है क्या? दिस इज योर शॉप? हाँ। हाउ मच इज दैट बैग फॉर पटका? दी या $150 $150 का बैग है भाई, $150 मतलब कितने हो जाते हैं? मेरा नेट चल जाए $150 हो जाएंगे भाई। महंगा है भाई बैग, 150 के हिसाब से कितना है? मतलब 1600 रुपए का बैग। पता नहीं महंगा है सस्ता है। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं खरीदने सामान। अरे घूम चुप भाई, देख के ये यूज एंड थ्रो वाला सामान यहाँ पे काफ़ी है। मतलब इफ यू लुक नाइस यू कैन मेक फर्स्ट कॉपी लुक लाइक एवरीथिंग। तो थोड़ा सा यहाँ से यूज करो और फिर ऐसा वाला हिसाब। तुंगचो स्ट्रीट मार्केट, अच्छा ये है तो मॉन्गकॉक में तुंगचो स्ट्रीट है, यहाँ आ जाओ कुछ खरीदना वरीदना है तो। काफ़ी अच्छा लग रहा था सामान पर अब मेरे को नहीं खरीदना पड़ेगा। अपना खरीद रखा पहले एक ऑलरेडी बैग। चलो आगे चलते हैं। ये क्या बन रहा है? ये स्ट्रीट बिजी है यूजुअल से। में तो स्वेटर पहनने का काम नहीं है, काफ़ी गर्मी है, पर बैग में लेके रखो अगर तुम्हें पता है होटल नहीं जाने वाले वापस। ये शाम के टाइम हो जाएगी काफ़ी ठंडी, काफ़ी धूप भी है। चलो अपना कैमरा भी बंद होने वाला, चैन से बैठ जाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। ये भाई निकल गया, कब होगी यार हरी बत्ती? काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। चलो होगी। ये शॉपिंग के लिए तो अच्छा है हॉन्गकॉन्ग काफ़ी। तो सस्ते भी हैं कपड़े भी हैं, महंगे भी कपड़े हैं, लाइक ओरिजिनल भी है और फर्स्ट कॉपी भी है। तो डिपेंड्स तुम क्या देख रहे हो, तो हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे अपने हिसाब से। सो वी आर ऑन नेथन रोड। चलो मैं आप कैमरा बंद करता हूँ, काफ़ी देर हो गई, आराम से।